पंजाब मेल यूएसए टीवी देख रहे दर्शकों नूं दस दिंदे आं कि कनेडा ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिथे पति पत्नी अते बाल स्पॉन्सरशिप बिनेकार अपनी इमीग्रेशन अर्जी नूं ऑनलाइन ट्रैक कर सकते ने। ट्रैकर सरकारी वैबसाइट ते पाया जा सकता है। यह वर्तमान विच सिर्फ उन्हां लोकां लई है जो पति पत्नी कॉमन लॉ अते निर्भर चाइल्ड स्पॉन्सरशिप लई अर्जी दे रहे ने। यह बिनेकारां दे नाल नाल प्रतिनिधां लई भी उपलब्ध है। इमीग्रेशन रिफ्यूजिज अते सिटीजनशिप कनेडा ऑनलाइन फॉर्म ते नोट करता है कि IRCC अफसरां द्वारा कोई अंतिम फैसला लैण तो पहला किसी भी समय ट्रैकर दी जानकारी बदल सकती है। ये भी कहिंदा है कि स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन की असल प्रगति अते ट्रैकर विच दिखाई गई जानकारी विच कुछ देरी जां अंतर हो सकते ने। कैनेडियन इमीग्रेशन प्रणाली नूं आधुनिक बनाउण दी कोशिश दे हिस्से वजो इस हफ्ते दे शुरू विच इमीग्रेशन मंत्री सीन फ्रेजर द्वारा ट्रैकर की घोषणा की गई सी। एक सरकारी मीडिया रिलीज़ विच कहा गया है कि असी समझते हाँ कि गाहक अपनियां केस फाइलों ते स्थिति अपडेट तक आसान पहुँचा सकते ने। इसलिए फरवरी 2022 पति पत्नी अते निर्भर लोगों लई एक नवा स्थाई निवास एप्लीकेशन ट्रैकर भी पेश करांगे तां जो गाहक आसानी नाल अपनी अर्जी की जानकारी अते स्थिति नूं ऑनलाइन एक्सैस कर सकन। सरकार 2022 दीआं गर्मियां दे विच होर भविखी प्रवासियों लई ऑनलाइन अर्जियां दा विस्तार भी करना चाहुंदी है। वधेरे ऑनलाइन अर्जी प्रक्रियावां विच तब्दीली दा उद्देश कागजी अर्जियां अते महामारी नाल जुड़ियां प्रक्रियावां विच देरी नूं घटाउणा है। रिलीज़ विच सरकार ने लिखिया कि अज तक दीआं कोशिशां ने नवे पति पत्नी स्पॉन्सरशिप बिनेकारां नूं 12 महीनिआं दे सेवा म्यार ते वापस जाण लई औसत प्रक्रिया दे समें दी आग्या दे दित्ती है। कनेडा व्यापार दीआं सारीआं लाइनां विच इमीग्रेशन अर्जियां विच इक बैकलॉग दा अनुभव कर रहा है। दसंबर 2021 तक 54,683 पति पत्नी स्पॉन्सरशिप बिनेकार अते 8,848 बच्चे अते होर परिवारक श्रेणी दे बिनाकार फैसले दी उड़ीक कर रहे ने।